टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। शुरुआत करते हैं आज के फटाफट खबरों की। मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के मामलों में एक बार फिर तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। इस बार बच्चों में कोरोना वायरस का मामला सबसे ज्यादा सामने आ रहा है। रविवार को चेंबूर इलाके में स्थानीय मानखुर चिल्ड्रेन होम से 18 बच्चे कोरोना संक्रमित मिले हैं, जिनकी उम्र 9 से 17 वर्ष के बीच में है। ईडी ने राज्य परिवहन मंत्री अनिल परब को नोटिस जारी कर मंगलवार को ईडी कार्यालय में पेश होने को कहा है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने ट्वीट कर जानकारी दी और बीजेपी पर निशाना साधा। जन आशीर्वाद यात्रा खत्म होते ही अनिल परब को नोटिस जारी किया गया है। कानूनी लड़ाई है, कानून से ही लड़ेंगे। बम्बई हाई कोर्ट ने 8 साल के लड़की के यौन शोषण के आरोपी 46 वर्षीय व्यक्ति को जमानत देते हुए कहा है कि यौन उत्पीड़न की मंशा के बगैर किसी बच्चे के गाल को छूना अपराध नहीं है। न्यायमूर्ति संदीप शिंदे की एकल पीठ ने ठाणे जिले के राबोड़ी पुलिस द्वारा जुलाई 2020 में गिरफ्तार किए गए आरोपी मोहम्मद अहमदुल्ला को 27 अगस्त को जमानत दे दी। महाराष्ट्र के पालघर में 17 साल की नाबालिग लड़की के साथ 3 लोगों ने गैंगरेप किया है। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। मेडिकल में दुष्कर्म की बात सामने आने के बाद आईपीसी की विभिन्न धाराओं सहित पोस्टों के तहत मामला दर्ज कर तीनों को सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। मुंबई पुलिस कमिश्नर हेमंत नागराले ने सर्कुलर जारी किया है। किसी वस्तु जैसे पासपोर्ट, चेकबुक, ड्राइवरी लाइसेंस या अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज अगर खो जाते हैं तो आपको शिकायत दर्ज कराने के लिए एफिडेविट की कोई ज़रूरत नहीं है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के खेड़ क्षेत्र में मुंबई गोवा राजमार्ग पर एसटी बस और डंपर की जोरदार टक्कर में 21 लोग घायल हो गए हैं। रविवार को हुए इस दुर्घटना में घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुणे के पिंपरी में पति ने बीवी की इसलिए गला दबा कर उसे मार डाला क्योंकि उसने एक बेटी को जन्म दिया था। 20 वर्षीय चांगुना के हत्या के मामले में पति योगेश कैलाश यादव 26 वर्षीयों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तेज रफ्तार बस से धक्का लगने की वजह से साइकिल सवार नाबालिग लड़की की जान चली गई। ये घटना पुणे के शिवाजी नगर परिसर के चौक में। मृतक लड़की का नाम चंदा परमार 16 वर्षीय बताया जा रहा है। थाने के कासर वडौली परिसर में एक मोबाइल की दुकान में चोरी की घटना सामने आई है। चोरों ने दुकान का ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। पुलिस ने इस चोरी के मामले में रुपेश राजपूत 20 वर्षीय और उसके साथी योगेश मलिंगे 19 वर्षीय को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 57,518 रुपये मूल्य के मोबाइल फोन भी बरामद किए गए। एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। ठाणे के वर्तक नगर से एक महिला ने ससुर की प्रताड़ना से तंगा कर गला घोट कर आत्महत्या कर ली है। उसने अपने दुर्व्यवहार का एक वीडियो भी रिकॉर्ड किया और अपने दोस्तों को भेज दिया है। वीडियो देखकर कई लोग दुखी भी हो रहे हैं। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम।